आबाद फ़ौज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं पूरे मुल्क से आए हुए असातिज़ा कराम आपको सल्यूट पेश करता हूँ। मेरे तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, मेरी इस्लामाबाद बार के आईएलएफ के टाइगर्स, रावलपिंडी डिवीजन से आईएलएफ के लोग और पूरे पाकिस्तान से आईएलएफ के वकला, मैं आप काले कोट को सलाम पेश करना चाहता हूं कि जब एक तारीख रात में आप आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान के साथ और उसकी तमाम लीडरशिप के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अली मोहम्मद खान साहब ने भी बात की, बैरिस्टर फैज साहब ने भी बात की, मेरा ख्याल है कि हमारा सब्जेक्ट रूल ऑफ लॉ। आपके सामने एक तस्वीर है इमरान खान, जो आज से नहीं 96 से आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात कर रहा है। और इमरान खान का जुर्म क्या है कि इमरान खान कहता है मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी और कानून की हुक्मरानी होगी। और ये जो 75 साल जंग है, जो इमरान खान ने जो जंग छेड़ी है और ये 75 साल निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग, ये आपने जंग आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, वाकई तहरीक इंसाफ है। ये तहरीक पाकिस्तान की तरह चलती रहेगी जब तक ये अशराफिया और माफिया को हम मुल्क से भगा नहीं देते, उतने तक ये जंग जारी रहेगी। जनाब चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान मैं आपके सामने पेश भी होता रहा हूँ, जहाँ मीडिया के लोग भी बैठे हैं मैं मीडिया के लोगों को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं ये कहना मैं बजा नहीं समझता कि एक लीडर जो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, वो OIC में नामूस रिसालत की बात करता है, वो यूनाइटेड स्टेट में खड़ा होके नामूस रिसालत की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है और मुसलमानों की बात करता है, क्या उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चार दीवारी से अंदर अरेस्ट होता है? और एक कन्विक्टेड आदमी जब एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है? कहाँ है आइन, कहाँ है आइन की बालादस्ती, कहाँ है आइन की हुक्मरानी? फिर मुझे याद आ जाता है हबीब जालिब, और मेरे साथ पढ़ो कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या ये दस्तूर है मुल्क में? हमारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं आपके सामने, जितनी मुश्किलात से ये पहुंचे हैं, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, लतीफ खोसा साहब, हमें कोई शौक नहीं है कोई चीज लेने का, लेकिन आपसे हमारी उम्मीद है। जिस तरीके से आपने पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुराया हुआ केस आप पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कौम आपके साथ खड़ी है, यही आपकी जंग है। आपसे तमाम सीटें 202 सीट पे हम जीत रहे थे, लेकिन आप देख लें कि एक फॉर्म 45, क्या चीफ जस्टिस साहब आपको फॉर्म 45 नजर नहीं आ रहा? आपको नजर आना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग अवाम के मैंडेट पे जीते हैं, हमारा केस जाती नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का केस है, और इंशाअल्लाह ये 25 करोड़ अवाम केस जीतेगी। और ये एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, उमर अयूब साहब, 2 दिन पहले मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई वहां जेल में, सारे लोग इलेक्शन में चले गए, खान से कुछ टिकटों के बारे में डिस्कस हुआ, खान ने मुझे कहा कि आपने सिर्फ ये देखना है कि 8 फरवरी को क्या होता है। 8 फरवरी को वही हुआ कि हमसे बल्ला भी छीना गया, लोगों को बैंगन के निशान दे के मैदान में उतारा गया, और अल्लाह के फजल से हम इलेक्शन जीत गए। यह है रूल ऑफ लॉ की जंग। और जो जंग खान लड़ रहा है उसमें हमारा, क्योंकि हम अदलिया की तहरीक में बहुत बड़ी जंग लड़े थे, उसमें हमारा सिविल सोसाइटी ने साथ दिया था। सिविल सोसाइटी को मैं इस फोरम से मैसेज देना चाहता हूँ, शादाब जाफरी साहब, क्योंकि हमारे चेयरमैन है मुअज्जम भट्ट साहब, हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क गिर तहरीक होगी और इसमें कोई तशद्दुद नहीं होगा। हमारे ऊपर जो पहले तशद्दुद के इल्जाम लगाए गए हैं वो हम आपको बता देंगे कि आईन का आर्टिकल
15, 16, 17 क्या कहता है? आईन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि आप किसी पार्टी के साथ भी एसोसिएट हूँ, आपको ये हक है, ये आपका राइट है, लिहाजा पुरअमन तरीके से आम अपना हकूक लेंगे, हमारी पुरअमन जंग होगी। मेरी तमाम मीडिया से दोस्तों से सदा है कि ये जो रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट चल रही है और जो कैदी नंबर 804 बैठा है उसकी जंग आपने लड़नी है। लास्ट में सिर्फ दो नारे लगा देना चाहता हूँ कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान आईन की बालादस्ती तक, आईन की बालादस्ती तक, आईन की बालादस्ती तक, कानून की हुक्मरानी तक, कानून की हुक्मरानी तक। बहुत शुक्रिया। ओके।